श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको रिझाऊं, आरती गाऊं लाला तुमको रिझाऊं, हे गिरधर तेरे आरती गाऊं, गिरधर तेरे आरती गाऊं, बोलिए
पूरे वृंदावन बिहारी लाल की, श्री मोर मुकुट बंसी वारे की, श्री भागवत महापुराण की, श्री गौ माता की, नगर बस्ती की, आज के आनंद की। आइए वो और लोग हैं दुनिया में जो बगावत की बुराई की लड़ाई की बात करते हैं, ए भारत माँ हम तो तेरे ऐसे लाल हैं जो तेरे ही नाम का इस मंच से गुणगान करते हैं। आइए परम पूज्य पंडित जी महाराज हमारे नगर सीहोर से पधारे हुए श्री मोहित राम जी पाठक साहब, जो कि एक परम भक्त हैं, गो सेवक हैं, जय हिंदुत्व जय हिंदू राष्ट्र, राष्ट्र देवो भव, अतिथि देवो भव, श्री गुरु देवो भव। सप्त दिवस भागवत पुराण का वाचन करने हेतु हमारे बीच व्यासपीठ के ऊपर विराजमान हमारे परम आदरणीय श्री मोहित राम जी पाठक साहब, आपके मुखारविंद से आइए, आप हमें सबको सराबोर कीजिए, इस पावन धरा को, इस पावन माटी को अपनी मधुर वाणी से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। आप सभी से निवेदन है, कृपया आवक जावक बंद करते हुए आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर अपनी ओर से शांति का परिचय, यही मंगल कामना आप सभी से, धन्यवाद। Saksha Parivar
सुधार भरनउ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचार बुद्धिन तनु जान के सुमिरौ पवन कुमार बलिविधि विद्या देहु मोहि हरौ कलेश विकार हरि कथा के रसिक तुमि भक्ति राशि मति रीर उर्याय सुआसन लीजियो तेज पुंजे कपीवे श्री कृष्णाय नमः सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्याय तावतराय विनाश श्री कृष्णाय वे वासुदेव सुतम देवम कंसचारूर्मरम देवकी परमान कृष्णम वंदे मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते यत्कृपातमं परमानं वासुदेव सुतम देवम स्थान देवता ग्राम देवता कुल देवता इष्ट देवता नवग्रह देवता सब देवता पितृ देवता सब देवता इष्ट पृथ्वी ओ शरीर शांति वनस्पति चरा चर ब्रह्म में शांति जीव में शांति श्रोता में शांति वक्ता में शांति शांति गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री शंकर देव भगवान की जय गजानंद सरकार की जय श्री मद्भागवत महापुराण की जय श्री सुखदेव जी महाराज की जय गंगा माई की जय नर्मदा माई जय भारत माता की जय नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर भजी गोविंदे गो
गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला नंदे गोविंद गोविंद गोपाला नंदे गोविंद गोविंद गोपाला भजे गोविंद गोविंद गोपाला भजे बोले जरा गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर नंद लाला 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 मज गोविंद गोविंद गोपाला बोले बहने सभी जरा Hey, Gopal.
भगवान की जय सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आनंद कंद परमात्मा संपूर्ण कलाओं में श्रेष्ठ पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर आकार उनका नवरना ले भक्तों के हृदय में सदा निवास करने वाले ऐसे द्वारकाधीश के चरणों में बारंबार प्रणाम करते हुए यहां पर विराजमान पुराण पुरुषोत्तम भगवान सभी आचार्य गण ब्राह्मण गण साधु सती माता बहने भाई वेंद्र बुजुर्ग युवा साथी और जो भी दूर दराज से हमारे सभी अतिथि पधारे हैं सभी को आज का जय श्री कृष्णा। हेलो आनंद कंद परमात्मा की मंगल में कृपा हुई, माँ शारदा ने कृपा करी, उस सावल माता ने, तब जाके ऐसे योग बनते हैं। हम यहां बैठ के कथा बोले हमारी औकात नहीं है, हम नरकी जीव हैं और आप भी कथा सुनो ये आपकी भी ताकत नहीं है। क्या हमारी ताकत के हम कथा बोलें और क्या आप कथा सुनो। अपन तो उस माँ से प्रार्थना करो कि माँ तू पधार और आके शुरुआत कर दे बस। बोलिए सावल माता की जयकारा बोलते रहिएगा आप बीच बीच। बहुत बड़ी अज्ञानता होगी कभी यहाँ व्यास पीठ पे बैठ के आप और हम कथा बोले, बहुत बड़ी। माँ तू माँ है, तू पधार, जिन बालक राखे में तारी, तेरे सामने हम क्या कथा बोलेंगे। आ जा एक बार हाथ ऊंचा कर दो उस माँ के। अपराध हमसे भी हुआ है, आज 15 दिन से बीमार चल रहा है, रोज बाटल चढ़ रही है, शारदा माँ साक्षी है, इंगेशन लग रहा है, उम्मीद नीति के व्यासपीठ तक पहुंचेंगे, मगर माँ माँ होती है, माँ और यहां तो मामी, दो माँ हो गई तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है, बस आशीर्वाद बनाए रखना। बल्लू भैया ने पहले दिन कहा था गुरुजी कथा करेंगे, ठीक है, मगर ना जाने कौन सा पापाचार शरीर की काया है नरकी जीव में उदय हुआ। कल रात को भी जब बाटल चल रही थी तो उम्मीद नहीं थी कि वो यहां तक पहुंचने देगा। सभी अपनी आंखों को बंद कर लो, माँ तो आ गई है, उसकी चेतना मिल गई हमें, ये वादा है। कल से खटका भी हो जाए ना तो ये व्यास पेट छोड़ देंगे, बस तुम उसके भरोसे बैठ जाना, हाथ ऊंचे करके बैठे रहना, बस बैठे रहना। क्योंकि ये कथा दो कारण से हो रही है, एक तो हमारे पितर तर जाए, कोई एक परिवार की कथा नहीं है, भगवान ने उसे सद्बुद्धि दी, उसने कोड़ी लगाई तो कोई इनकी कथा नहीं, कथा तो पूरे क्षेत्र की है, वो तो योग और समय की बात है। ये तो यकीन मानना एक कथा तीर्थ की कथा है, शास्त्र कह रहा है द्वारकाधीश में कथा करने का फल जो मिलता है वो ननियार में कथा करने का फल मिलता है, ये द्वारकाधीश की कथा है। एक माँ ने जमन दिया, मगर यहां तो मामा मामी नाना नानी कौन नहीं है। इसलिए तीर्थ की कथा, और ध्यान रखना घर में कथा करने से पितृ ऋण से उरण होते हो,
मगर किस्मत वाला परिवार है यजमान, सब भूल जाना सात दिन, कौन संभालेगा? जिसने तुझे गर्भ में संभाला वो यहां भी संभाल लेगा, जिसने गर्भ में संभाला। काम धंधे सब चलेंगे खूब, निपटा कोई मनाही नहीं, मगर शुरू में बस उसके भरोसे। कितने दिन की है ये? सात दिन की गंगा आई भगतों नालो रे, 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 तम तो नालो रे गोता खालो 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 रे, ज्ञान की तो गंगा आए भगतों नालो 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 रे। बेन दूर पड़े गंगा, गंगा सब नहीं जा सके, नर्मदा भी थोड़ी दूर, कहाँ गंगा नर्मदा सरजू कावेरी, कहाँ जाओगे गंगा सागर चारों धाम, स्वयं चल के आइए, चिल्ला चिल्ला के माथे पे धरा के आई, कह रही है गांव में आई। तम तो नालो रे गोता खालो रे, तम तो नालो रे गोता खालो रे, तुम तो नालो रे गोता खालो रे, तुम तो नालो रे गोता खालो रे, भागवत की गंगा आए भक्तों नालो 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 रे। सात दिन की, कितने दिन की? आगे न पीछे, कथा भी यदि सुन रहे हो तो सूत जी महाराज ने नियमित शरण में कथा सुनाई हो, नियमित क्षेत्र में या सुक्ताल में वट वृक्ष के नीचे गंगा के किनारे, राजन सावधान। कितने दिन परीक्षित को? सात दिन, केवल सात दिन। इसलिए अपने पितरों का स्मरण करें, जो जहां विराजमान हो सभी आत्माओं को याद कर लो, जो परिवार करा रहा है वो अपने गोत्र का उच्चारण करे, और जो यहां बैठे हो सब अपने गोत्र का उच्चारण करके अपने अपने पूर्वजों का स्मरण करो, जिसको जहां जगह मिले, फल में फूल में टेंट में पाइप में, जहां जिसको जगह मिले आके विराजमान हो, ताकि हम पितृ ऋण से उरण हो सके। ओम भू पितृस्तर्पणतामि, ओम भुवा पितृस्तर्पण, ओम स्वाहा पितृस्तर्पण, ओम भूर्भुवः स्वः पितृस्तर्पणतामि। क्योंकि ये कथा गोमाता के निमित्त, पितरों के निमित्त, इस क्षेत्र के शांति के निमित्त, और जितनी भी ये युवा पीढ़ी जो बैठी है ना, जो होड़ चल रही है अध्यात्म से दूर होके, भगवान से दूर होके, ये युवा पीढ़ी जो आज भाग रही है, उस सबके निमित्त ये कथा हो रही है। कल
कल रात को कह रहे थे, नाम नहीं ले, बार बार फोन लगा के, गुरुजी अभी कोई व्यवस्था नहीं हुई, एक दिन बचा। हमने कहा चिंता ना करना, हनुमान जी पे छोड़ देना सब। पहले दिन उम्मीद है कि तुम्हारी कथा इंद्र तक पहुंच जाएगी, पहले दिन इंद्र तक पहुंचेगी, बस अपनी श्रद्धा टिका के रखना। बैठे रहो, चतुर्भुज नारायण का स्मरण कर लो, शंख चक्र गदा पस्म जिसके हाथों में, ऐसे गोविंद का, उस द्वारकाधीश का, उस प्रणव ओमकार का, क्योंकि हमारा एक ही है कि 2 घंटे तो करेंगे अपन मोक्ष की कथा रोज। कितने की कथा रोज होना है, कितने घंटे? 2 घंटे मोक्ष की, मगर मोक्ष के साथ साथ विवाह भी है, तो 1 घंटे गोविंद की मौज की कथा भी होना चाहिए। जैसी श्री परमात्मा देगा, आज तो अब शुरुआत है, शुरू शुरू ताकड़ा लगाए हैं तो कहीं यूरिया ने, कहीं खाद ने, कहीं अब ठीक है। पहले दिन की बोनी सोयाबीन की ने, आखिरी दिन की गेहूं की। पानी गिरा ने ट्रैक्टर लाओ रे बो रे, पानी नहीं गिर जाने जो हो जाए, तो पहले दिन की तो धीरे से निकल जाएगी, मगर कल से बिल्कुल सावधानी से। क्योंकि देखो, खाली अपन यह नाचना गावा की बात करता रहेंगे 7 दिन तो आनंद नहीं आएगा। यदि उसने निमित्त बनाया, वो पंडाल में बिठाया है, तो उसने कहा उसकी शर्त है कुछ आत्म तत्व की प्राप्ति होना चाहिए, नहीं तो भीड़ होना, ये भीड़ होना बड़ी बात थोड़ी नहीं है। आप यहां बहले हुए, ऐसी भीड़ तो अभी कोई किसी को गाल देवा चालू कर दे तो वहां भी भीड़ हो जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए तो वो भी भीड़ हो जाए। एक भीड़ गाली देने की होती है, एक भीड़ एक्सीडेंट हो, कुछ घटना घट जाए, चोर आ जाए तो भीड़ हो जाए। मगर भगवान से प्रार्थना करना के गोविंद कभी भीड़ का हिस्सा भी बनाए तो भागवत में बनाना, अदालत में मत बनाना रे, मंदिर की आरती में बना देना, किसी बहन के पैर पूजने में भीड़ का हिस्सा बना देना, कहीं कोई गलत कार्य में भीड़ का हिस्सा मत बनाना। कोट की सीढ़ी चढ़े ना चढ़े, बड़े बड़े हॉस्पिटलों की सीढ़ी मत चढ़ने देना, बस तू तो तेरे मंदिर की सीढ़ी चढ़ाते रहना। ये सच है, जो उस पौड़ी तक जाते हैं, बिल्डिंग अपनी पटेल साहब की भी होगी गांव में, और भी अब सबने बना ली। विचार करना, कभी किसी के घर जाओ, माँ ने अपन पटेल साहब के घर गया ने, दूसरी मंजिल पे पटलन में अब बैठी माँ ने, पटलन माँ से मिलने जाने सीढ़ी चढ़े तो कहीं सीढ़ी को धोक दें? बोलो जल्दी। बड़ा बड़ा सेठ के यहाँ गया ने, लाल बत्ती के ने, सीढ़ी आ तो सीढ़ी धोक दो कहीं ने, मंदिर में जाओ तो जैसे ही आई, पटेल के यहां 100 सीढ़ी भी हो तो धोग नहीं देते हो, मगर राम के मंदिर में 5 सीढ़ी भी होती है तो क्यों? कारण, पटेल की सीढ़ी दुनिया वालों से मिलाती है, मगर मंदिर की सीढ़ी दुनिया बनाने वाले से मिला देती है, दुनिया बनाने वाले से। उस परमात्मा से कहना कि संबंध भी बनाए तो ऐसा बनाना कि संबंध से जिस सीढ़ी से चढ़ूं वो परमात्मा से मिला दे। 3 घंटे अब कई के मन में विचार हो आएगा, आपका आएगा और जरूर आएगा, कई मामी सोच रही होंगी, मारी बहन उनके, गुरुजी तम यहां को या सब अचान ने घरे जाके सब खत्म हो जाए तो बहुत हो जान, तो खत्म हो जाए तो घरे जाके, ये तो होता है कि देखना, कभी अनुभव करना आप कि अपन कहीं नौता में गया, क्यों सुरेंद्र भैया, नौता में गया अपन ने, नौता में खूब खीर खाई, 2 कटोरा 3 कटोरा अच्छी लपक के खीर खा ली, ने खीर खाने के बाद एक लसन की कली खा लो, फिर डकार काय की आएगी, खीर की कि लसन की, क्यों बहन? बोलो बोलो जल्दी,
कई नाम हमारे, रोशनलाल जी बेन सांझे हमारे लिए बना लीजो, है नहीं बना मत लीजो, नहीं तो ऐसी खीर खाई परीक्षित खूब लवजा पाड़ का मार के आनंद लिया ने खूब खाई ने खाने के बाद काली मूली खा लो डकार खीर की आए के स्वाद का है में था खीर में के मूली में बस यहां सुनी यहां गालियां यहां खूब कह रहा भले मन माने नहीं यार भजन के बिना रे भजन के बिना यहां तो खीर खा रहा है न घरे जाके सभा भी खुलवाओ मत पहला दिन है रख दी यहां खीर खाते हो खूब खाते हो खूब भगवान का नाम लेते हो मगर घर जाके जो लसन की कली खाई जितना पुण्य यहां बैठ के कथा सुनने का नहीं है उससे ज्यादा पुण्य घर जाके उस कथा को व्यवहार में लाने का है कुछ तो लाओ कोशिश तो करो नहीं तो हम भी कहते हैं हम बैठे हम भी नरकी जीव है मगर जब व्यास पीठ पे विराजमान होते हैं तो उस गोविंद से यही प्रार्थना रहती है कि गोविंद तूने परीक्षित को तो 7 दिन में तार दिया कितने दिन में नहीं हमारी आखिर जिंदगी हो गई हमें नहीं तारेगा हमसे कोई गलती हुई है कोई गलती हुई होगी तो बता प्रभु इसलिए आप लोगों से प्रार्थना कर रहे हैं कि अपनी आसन में चित को लगा लो भागवत का महात्म्य शुरू हो रहा है द्वादश अक्षर मंत्र का जाप चालू कर देना मन ही मन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो प्रधान मंत्र है इससे जीव अभिमंत्रित हो जाता है जैसे ब्राह्मण देवता जल का लोटा लेके अपन को पवित्र करते हैं ना अभिमंत्रित जल पवित्र होता है ऐसी मंत्र से जीव पवित्र हो जाता है जब मंत्र आपके अंदर बैठेगा तो गोविंद भी आपके अंदर आके विराजमान होने लगेगा वो भागवत की कथा टिकी काय पे ज्ञान भक्ति और वैराग्य पे वृंदावन में भक्ति दुखी थी नारद जी दुनिया में घूम के आए एक महिला को रोते हुए देखा कथा संक्षेप में समझना आप सब जानते हो सुनिए वृंदावन में भक्ति दुखी है नारद जी आए नारद जी ने देखा कि भक्ति रो रही है बिलक रही है उससे पूछा क्या हुआ बहन क्यों रो रही है कि मेरे पुत्र हैं ये कि ये 100 साल के तेरे पुत्र हैं क्या मेरे पुत्र हैं कि ये तो मंदिर में होना चाहिए मगर ओटले पे बैठे मंदिर की उम्र में ओटले पे बैठो समझ जाना बस ये पुत्र है मेरे ये ज्ञान और वैराग्य है इनसे गांव चले गांव के मुखिया मगर मूर्छित पड़े ज्ञान किसके पास नहीं है मगर ज्ञान होने के बाद गाली दो तो ज्ञान बूढ़ा ज्ञान है कि कहां जाना है 8 बजे मंदिर पे जाना है अब ये युवा पीढ़ी 8 बजे मंदिर में जाए तो ये ज्ञानी और ढाबा पे जाए तो हंसो मत 8 बजे ज्ञान सबके अंदर है मगर ज्ञान बूढ़ा है तो मैं रो रही है बैठी कर्म से हाथ लगा के इतनी एकादशी करके तुम्हारे पूनम करके पैदा करा था तुमने हीरो होंडा उठाई ने चश्मा लगाया हीरो होंडा लेके कथा में बैठो तो हीरो होंडा
ने खाली हीरो बने, ने चश्मा लगाया, ने इतना बड़ा बड़ा जूता पहन लिया, ने उठा के चल दिया, ने खींच रहे हो और कहीं का ठोक जाएगा तो आखिर जिंदगी रोएगी बेचारी। यह है ज्ञान और भक्ति की कथा कि ज्ञान मूर्छित पड़ा है, जानो हमारे पुराने लोग साथ बैठे, हम भी हीरो होंडा से घूमे, मगर हीरो होंडा जाति कथा में थी तो उसने आज कहां बिठा दिया, नहीं तो बैठे होते कहीं के ढाबे पे और गंदगी खा रहे होते। खूब हीरो बनो, हीरो होंडा से घूमो, फोर व्हीलर से घूमो, मगर यदि वो हीरो होंडा पंडाल में आके खड़ी हो तो तुम हीरो। बस पहले दिन आगे नहीं खोलेंगे, आज तो सब पॉइंट लिखते जाना है। ज्ञान मूर्छित पड़ा है, रो रही है, उनने कि ये दूसरा कौन है, कि ये मेरा पुत्र है, ये भी बूढ़ा, कि हाँ ये भी बूढ़ा, कि बेन ये क्यों बूढ़ा, ये बैराग है, ये मेरा पुत्र है, बैराग भी बूढ़ा हुआ है, कि माँ माँ हट्टी खट्टी ने माँ बिल्कुल तंदुरुस्त ऐसी रखी कि वृंदावन है, वृंदावन में राधे राधे चलता है, तो माँ तो भक्ति तो वहां खूब झूम रही है, खूब आनंद में, मगर ज्ञान विराग नहीं है। मंदिर जाते हो? हाँ जाते हो, सुबह से नियम है बिल्कुल मंदिर जाते हैं, जब तक भगवान के दर्शन नहीं करूं ने अगरबत्ती नहीं लगाऊं, गुरुजी आनंद नहीं आया। अच्छी बात है, घर में माँ बैठी बूढ़ी, हाँ बैठी, चाय पी ली, वो पीती रहेगी, ये ज्ञान है। घर में माँ बूढ़ी बैठी और तुम मंदिर जा तो भक्ति तो पुष्ट, ने ज्ञान वैराग मूर्छित, आज वैराग मूर्छित है। देखना अपन कल किसी ने पूछी थी कि गुरुजी यजमान परिवार कथा में बैठा मंडल बन गए, पूजन शुरुआत हो गई, हो गई नहीं। किसी ने पूछी थी कि जोड़ा परिवार बैठा ने, इनको बहुत बड़ा परिवार ने, किसी के यहां चोरा चोरी हो गया तो सूदक लग गई, तो संशय आता है मन में। कल पूछ डाली थी हमसे, ब्राह्मण से पूछी होगी, इतने गुरुजी से पूछो कि हमारो गोत्र को तो पूरा गांव ने किसी के यहां हो गए हो तो वो तो रोज का पैदा हो रही है, छोटी के यहां बड़ी के यहां, ने तुम्हारे यहां भी खुशखबरी आ जाए तो कीजो मत, हम तो यहां बैठा, समझ जा मामी हूं तो इशारा में समझ जा। अब उनने पूछी कि यजमान क्या जन्म मरण जब तक संकल्प नहीं हुआ था, दीपक नहीं जला तब तक सूदक लगे, इसके बाद तो वो ऐसा नाम है कि कंधे पे भी धरा हो तो राम नाम। बोलो नाम में सूदक लगे? महाप्रभु चैतन्य मीरा ने तो कह दी कि तू के का नाम लेना है, सोच आदि तो ये शरीर करता है, भ्रष्टा तो ये शरीर करता है, मेरा मन तो उसका नाम लेता है, तन से करो काम और मन से करो भजन। कई गांव में देखा हमने, उन्होंने कि हमारा छोरा छोरी हो गया ने सूदक लग, सूदक काम क्रोध मद लोभ नाथ रंग के पंत, ये तो रोज पैदा हो रही है, काम भी रोज पैदा होए, क्रोध भी ये रोज का तो पैदा हो रही है, लगा है सुआ, मगर जब संकल्पित हो गए तो आप एक गोत्र के परिवार के नहीं होते। यदि गोत्र से कोई तरता तो अभी कथा आएगी धुंधकारी की, 100 बार गोकर्ण जी ने गया जी में जाके धुंधकारी का श्राद्ध कर दिया मगर नहीं तरा था, 100 बार। आज अभी आगे बढ़ेंगे तो सुनोगे आप उसको, अपन अभी भानी भटके, इशारे में समझा रहा है कि जितने यहां बैठे पहले दिन जो बैठ गए पहले दिन, उनके परिवार में वैसे तो 12 कहते हैं अपने यहां कि 12 कोस पे आवाज जाति पाति बदला जाए, मगर द्वारकाधीश की जहां तक सीमा है और दुनिया में कोई सीमा नहीं जहां मेरा राम नहीं है, वहां तक भी गोत्र बैठा है और रोज पैदा हो या रोज मरे तुम पे सूदक नहीं लगेगी।
क्योंकि परमात्मा का नाम ले रहा हो। ये बैठेगा यजमान परिवार, करेगा रोज मंडल की पूजा, अपने पे कैसी सूदक। अपन तो उसका नाम ले रहा है, जिसको नाम को लेने में अर्थी माथे पे मुर्दा भी धरा हो तो उसका नाम लेने में कोई अरे तो लिया जाता है, बस श्रद्धा मत डोलने देना, अटल रहना, जमा के रखना, मत भटकना इधर उधर। रोए भक्ति दोनों मूर्छित पड़े, ज्ञान मूर्छित है कि बैराग ये भी मूर्छित है। कई देखना होता क्या बैराग, क्या बैराग कोई अलग की चीज थोड़ी नहीं। आपने देखा हो कई बार अपन मसानिया में जाए तो कोई चला जाने मजा के बैठे, बापड़ा बा साहब बड़ा अच्छा था, रोज मंदिर में घंटी बजाता था, रामायण भी पढ़ता था, भागवत भी सुनता था, भले सुनाई नहीं देती हो मंदिर में खूब सुनता था, वो बेन रोज सवेरे उठते से गंगा जमुना का नाम ले, ने रोज आरती करे, ने तुलसी को जल दे, ने सूर को जड़ दे, चली गई कहीं रखो सरता, एक दिन सबको जाना है, कुछ नहीं है संसार, सबको जाना, बैराग जागृत हो जाएगा। मगर लौट के आए उन्हें घर आके लसन की कली ध्यान रख जो बस, मां तो खीर खाई शमशान में बैठ के, कुछ नहीं रखा इस संसार में, सब भगवान का नाम है सब है, मगर घर आते ही वही लसन की कली। यदि खीर के बाद लसन खाओगे तो खीर का स्वाद बिगड़ जाएगा, और अच्छी जगह बैठने के बाद गलत जगह बैठोगे तो मृत्यु बिगड़ जाएगी, जीवन तो बिगड़ेगा बिगड़ेगा, ये ध्यान रख लेना, और निकल जाएगा कुछ नहीं है, निकल जाएगा जीवन, हंसते गाते रोते गाते संघर्ष कर लोगे निकल जाएगा, मगर मृत्यु नहीं बिगड़ना चाहिए। कईयों की बिगड़ी साहब, सालों बिस्तर पे पड़े, बस समझ जाओ गोविंद तुझे जितना देना हो, जितना कष्ट देना हो, जितना रुलाना हो, जो भी करना हो, ये काया शरीर जब तक चले इससे तेरी इच्छा पूरी कर लेना। वो कितना देगा वो तो चंडाल बना के हरिचंद्र को खुद के छोरे पे कफन नहीं रखने दिया, इतना इतना भुगता लिया, मीरा एक तागा बचा था तब तक भुगताया है, कितना भुगता है। जीवन में जो करना वो कर लेना, मगर मृत्यु मत बिगड़ देना, ध्यान रख लेना, और जिसकी मृत्यु बिगड़ गई है उसका सब कुछ बिगड़ गया है। करना उससे प्रार्थना कि भगवान जीते जी माया नहीं व्यापे, क्योंकि युग है माया का और सता रही है सभी। नाचे नर मरकट की नाई और सबे नचावत राम गोसाई, सब नाच रहे हैं, कोई बुराई भी नहीं है, वो माया नहीं है जिससे तुम समझ रहे हो ये माया है। कभी लोग कहते हैं माया बुरी, स्त्री से दूर रहना स्त्री बुरी, पैसा बुरा, छोरा छोरी बुरे, गलत। पैसा है और पैसे से मंदिर में कलश चढ़ा दिया तो वो माया, माया पति से मिला देती है। स्त्री है उसी स्त्री से श्रवण कुमार हो गया तो वो भगवान से मिला देती है। पुत्र है और यदि उसी पुत्र ने तुम्हारे नाम से भागवत जी करा दी तो वो माया भगवान से मिला देती है। और यदि वही माया ले जाके ठेके पे बिठा दे तो फिर वो मौत और मृत्यु सभी बिगाड़ देती है। माया बुरी नहीं है मगर किसको व्याप रही है, एक माया मोहन से मिला रही है और दूसरी माया किससे मिला है, बस समझ जा। इसलिए पैसा खूब कमाओ, पैसे की कोई बुराई नहीं, कहीं नहीं लिखा धन्यम धन्यम, खूब फलो फूलो, खूब खेती करो, खूब काम करो, कोई बुराई नहीं। हम नहीं कहते हैं तो पहले दिन से हमने कभी नहीं की कि फक्कड़ हो जाओ, खूब कमाओ, खूब करो,
कोई बुराई नहीं, मगर स्त्री है तो श्रवण कुमार आना चाहिए, माया है तो मायापति मिलना चाहिए। इसलिए उससे कहते हैं कि जीते जी माया व्यापना नहीं चाहिए। मरने के बाद मालूम पड़े कि मर गया, मौत व्यापना नहीं चाहिए। नहीं तो जी जिसको व्यापी है ना, बड़ा कष्ट हुआ है मौत में। ज्ञान बैराग को जागृत रखो। मगर देखो गलती क्या कर दी कि आप लोग यहां बैठे हो, हर व्यक्ति सब जानता है, सबको सब मालूम है। अपन क्या करते हैं, जो चीज जीते जी प्राप्त करना थी, आप हो या हम हो, जो चीज हमें अभी प्राप्त करना थी उसे हम मरने के बाद मांगते हैं। क्या कोई मर जाए और मरने के बाद श्रद्धांजलि सभा होती है तो क्या कहते हैं, हे परमात्मा, किसी ने कहा किस जीव आत्मा को बंगला मिले, गाड़ी मिले, कम्बल मिले, मकान मिले, घर मिले, क्या कहा, भगवान इस आत्मा को शांति मिले। हर व्यक्ति एक ही बात कह रहा है, जितने भी लोग जहां भी चले जाओ, किसी भी स्थिति में कहीं भी बैठे हो, यदि किसी से भी पूछ लो तो एक ही बात कि भगवान इस आत्मा को शांति मिले। और यहां हमने गलती कर दी, जो चीज जीते जी प्राप्त करना थी उसे मरने के बाद मांग रहे हैं। शांति हमें जीते जी प्राप्त होना थी। बस ज्यादा मत छेड़ो ने ना, पर उठा पटक मत करो। हमने मांगा जो चीज जीते जी मिलना थी, वो तो हमने मृत्यु के बाद मांगी है। और यहां व्यक्ति ने सबसे बड़ी गलती कर दी। इसलिए भगवान से कहना कि धन दौलत तू सब दे रहा ठीक है, मगर जीवन में थोड़ी सी शांति भी दे दे। उस शांति काय से मिलती है, भगवान का नाम लेने से। रोज उसका नाम लो, हे गोविंद हे गोविंद हे गोविंद। जो भी स्थिति में, जहां भी जो जिस स्थिति में विराजमान हो, बैठ के बस, यहां भी बैठे हो तो मन में चलने दो कि मैं ज्यादा तो नहीं कर सकता, मगर 7 दिन तेरे पंडाल में आके बैठूंगी, तेरे द्वार पे आके बैठूंगा, तो भगवान इस जिह्वा से तेरे नाम का उच्चारण हो जाए। रोज लेते जाओ, वो नाम में ही सारे। बाकी तुम सोचो कि अपन ये नारियल चढ़ाएं, अभी माता बानी के यहाँ जाओ नहीं, वहाँ कई देखे माउन गई थी, नारियल भी चढ़ाएं, अगरबत्ती भी लगाएं, रोज का जो मंदिर जा रहा हो, इससे कुछ नहीं होना। रोज चिरौंजी चढ़ाओ, अगरबत्ती लगाओ, रोज का मंदिर जाओ, इससे कुछ नहीं होना। कितनी पूजा करो, कितने फूल चढ़ाओ, कितने फल चढ़ाओ, होने ही नहीं। अब ऐसा नहीं कि बंद कर दो, होना कुछ नहीं हो, जो है वो सच वो कहें, क्योंकि कहने बैठे हम तो यहां व्यासपीठ का काम है बोलना। आप जितनी पूजन कर रहे हो, फूल चढ़ाओ, अगरबत्ती लगाओ, उसके यहां जा रहा, उससे कुछ नहीं होना। देखो एक बात बताना, घर में आप बर्तन मांजो, मैं मांजो नहीं, घर में बर्तन मांजो, ने झाड़ू लगाओ, ने पोछा लगाओ, तो कुछ होए क्या उससे, काम है तुम्हारा, ये घर का काम है, कर रहे हो। कई माँ ढोर बछिया का टाइम हो गया तुम्हारे, 3 बज गई, फिर मत कहो गुरुजी कल भैंस बीमार हो गई है, कथा छोड़ के जाओ तो। गोपाल कृष्ण भगवान की, नहीं होगी नहीं होगी, जाओ जाओ, भैंस जरूरी है, भागवत तो आखिर जिंदगी पड़ी, भैंस नहीं मिलेगी। फिर ये कागज है, क्या है, क्या है ये कागज, माथे पे धरा के आया है, डीजे बजा रहे हैं, ढोल बज रहे हैं, और पूरे गांव में चिल्ला के कह रहे हैं कि सुन लो रे, मैं कागज हूं, और कागज में ज्ञान आ गया,
तो माथे पे धरा के आ रहा हूं, जिस दिन इस काया में ज्ञान आ गया वो अपने माथे पे धर के ले जाएगा। मगर आना तो चाहिए, क्या जरूरत इतनी डीजे बजाने की, नहीं लाखों रुपए खर्च करने की, नहीं अलाउंस करने की, लिया तो धीरे से। मगर ये चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, कह रे मत जाना काम धंधों में, खाली कागज, खाली कागज। मगर कागज में आया तो पूजा भी करो, अगरबत्ती भी लगाओ और धोख भी दो कि कागजों में तो तुम तो काया हो। और जिस दिन काया में, क्यों कौन कि कौन आएगा, ने विमान आएगा लेने सात बेदिन, तू ही आजे रे गोपा, तू ही आजे रे नंदला। कौन आएगा, छोरा छोरी के भरोसे बैठे हो, या जेरे नंदलाल मारे तो लेवा तू ही आजे, तू ही आजे रे बोलो मारे तो लेवा तू ही आजे, तू ही आजे रे गोपाल मारे तो लेवा तू ही आजे, तू ही आजे रे गोपाल। सभी बोले मारे तो लेवा तू ही आजे, तू ही आजे रे गोपाल मारे तो लेवा तू ही आजे, तू ही आजे रे गोपाल मारे तो लेवा तू ही आजे, तू ही आजे रे नंदलाल मारे तो लेवा तू ही आजे, तू ही आजे रे नंदलाल मारे तो लेवा तू ही आजे। गाड़ी मत लाजे घोड़ो मत लाजे, 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 तू लाजे रते बेमान मारे तो लेवा तू ही आजे, आजे रे गोपाल मारे तो लेवा तू ही आजे, तू ही आजे रे नंदलाल मारे तो लेवा तू ही आजे, तू ही आजे। बोलो बहनों गोपाल मारे तो लेवा तू ही आजे, कर्मा की खिचड़ी खाने मीरा को लेने, तुकाराम की मूर्ति में से निकल आया है बेन, कंडे में से गोपाल थोपते थोपते प्रकट हो जाता है, मगर दुनिया वालों के भरोसे नहीं गोपाल के भरोसे बैठ के कहना, तू ही आजे रे नंदलाल मारे तो लेवा तू ही आजे, तू ही आजे रे गोपाल तो लेवा तू ही आजे, तू ही आजे रे नंदलाल मारे तो लेवा तू ही आजे, तू ही आजे रे गोपाल मारे तो लेवा तू ही आजे, दूज मत आजे तीज मत आजे, दूज मत आजे तीज मत आजे, दूज मत आ
तीज मत आजे, तूज मत आजे, तीज मत आजे। फिर कब बुलाना है जल्दी बोलो। दूज तीज आज तिथि कहीं है? कहीं तिथि दसवीं बात साहब बोला। इनको काम भी ये जान रखना जरूरी है। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। पहले होता क्या था, रोज गांव में मामन सीधा लेने आता था, तिथि नक्षत्र बताता था, आशीर्वाद देता था, तो गांव की मति सुधरती थी। आज ना तिथि को ज्ञान, ना कब आओगा, ने कब जाओगा, ने कब खाओगा, ने कब पैदा हो रही है कोई। दूज मत आजे, तीज मत आजे, दूज मत आजे, तीज मत आजे, दूज मत आजे, तीज मत आजे, दूज मत आजे, तीज मत आजे। फिर कबे पूर्णाहुति, पूर्णाहुति कबे? 12 को। तो कैसे गाए 12 को? आज कहीं है दूज मत आजे, तीज मत आजे, दूज मत आजे, तीज मत आजे। आना तिथि पूनम पूर्ण, आना पूनम में बार मारे तो लेवा तो हे आजे, आना पूनम बार मारे तो लेवा तो हे आजे, आना पूनम में बार मारे तो लेवा तो हे आजे, आना पूनम बार मारे तो लेवा तो हे आजे, आजे रे गोपाल मारे तो लेवा तुहे आजे, तुहे आजे रे गोपाल है हो मारे तो लेवा तुहे आजे। रायपुरा अब गांव नहीं रहा, धाम बन गया। क्या बन गया? धाम। जहां के कलेक्टर जिलाधीश बैठ जाता है, वो जिलाधीश के होने के साथ कलेक्टेड बन जाती है। और यहाँ आके कौन बैठ गया है? वो जिलाधीश और ये द्वारकाधीश। ये द्वारका नगरी, द्वारका धाम, वृंदावन बन गया है। और जितनी गोपियां यहाँ बैठी हैं, जितने ग्वाल बंद बैठे हैं, तू गोविंद है तो हम ग्वाल, तू द्वारकाधीश है तो हम तेरे द्वारका के वासी हैं। उस धाम में अब आज से एक भी घर के आगे ध्यान रखना रोज। वैसे तो ये हमारे ठाकुर साहब बताते हैं रोज, मगर याद दिला दे, हर घर के सामने चौक पूरना रोज। शांति क्या करना? बिल्कुल नियम बना लेना। और अड़ोसन पड़ोसन और सड़ोसन से भी कह देना, तुम्हारे सौगंध है बगल वाली की नहीं, क्यों घर के सामने रोज। ये रायपुर अब 7 दिन गांव नहीं धाम बन गया है। क्या बन गया है बोलिए? रायपुरा धाम की क्या बात है? क्योंकि जमोनिया वाले यूं मत कीजो गुरुजी ने, हमारे गांव तम भी चौक पूर लीजो।
जो यहाँ आ गया वो भगवान का हो गया। हम भी मां से कह के आया घर के, रोज घर के सामने चौक पूरना अपने, डेली के बाहर ने दीपक रोज जलाना, घी का नहीं हो तो तेल के ही जला देना, मगर दीपक हूँ। गांव में घूमूंगा रात में देख लेना तुम, हूँ रोटी खाने जगह जगह जाऊंगा दिख जाऊंगा, कौन कौन माँ नानी ने सुनी ने मामी ने नहीं सुनी। इसलिए ये धाम बन चुका है, इसलिए क्योंकि बुला तो रहे हो, घर के सामने गंदगी पड़ी, घर के सामने कूड़ा पड़ा, कूड़ा करकट में मच्छर आए के मोहना है। तू ही आजे रे नंदलाल, सोनो मत लाजे चांदी मत लाजे, खूब दिया है और देगा, तू लाजे नंदे जी को ला। दीपक चौक पूरना भूल मत जाना, और जिसने सबरी की सुनी है नी, तुमने आंगन नहीं बुरारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, मन का आंगन नहीं बुआरा, कैसे आएंगे भगवान। और मामा हूं मामी नहीं आई हो तो तमी जाके कह दीजो, दो तीन फायदा है तुम्हारा, बामन भी भानेज भी नहा लो। सात दिन की गंगा आई तम तो नहा लो रे, तम तो नहा लो रे, गोता खा लो रे, ज्ञान की तो गंगा आई भगतो नहा लो रे। पूछिए सोनकादिक ऋषि, उस सनकादिक बैठे तो नारद बाबा ने, ये भक्ति ज्ञान वैराग का जग हुआ कि क्या भागवत सुनने से खाली नाचना गाना ने कुछ होए। 14 प्रश्न करे हैं, कितने 14 प्रकार के प्रश्न करे कि जिसने बहन और अपनी बेटी का धन खाया हो, क्या वो भागवत की कथा सुने तो उसका उद्धार हो सकता है। भगवान बा प्रभु है दीन बंधु, जिस बेन ने अपनी देवरानी को जलाने में मदद करी हो, क्या उसका भी उद्धार हो सकता है ऐसी पापन का। जिस भोजाई ने नंद के छोरे को खीर में जहर खिला दिया हो और इल्जाम अपनी नंद पे डाल दिया हो, क्या उसका भला हो सकता है। दूध खाने के बाद जिसने गाय कसाई को बेच दी हो फसल बचाने, क्या उसका उद्धार हो सकता है। आखी जिंदगी जिसने पर स्त्री का गमन करा हो, क्या उसका उद्धार हो सकता है भागवत से। 14 प्रश्न करे के खाली नाजवा गावा ने सात दिन में, अच्युतम केशवम राम नाम, जब बैठे निसार गर्भित बात चली, नेमिस सारण में हुई, सुक्ताल में गंगा के किनारे हुई, परीक्षित ने कहा गुरु कोई नहीं मेरा, सब छोड़ के आ गया, कौन संभालेगा। परीक्षित तू तो गर्भ में नहीं पड़ जाता, तेरी उम्र छोरा छोरी बच्चे राजपाट चार चौकरी का राज करा दिया, ये तो गर्भ में ही आई थी, जो बजबस थामा ने छोड़ा ने लिए जाती, मगर जो गर्भ से यहां तक ले आया गंगा के किनारे, जो यहां तक लाया गणित तो बहुत कड़ला है उसका, कल की कथा में समझा देंगे। मगर कहा कि 14 प्रकार के पाप करने वाला प्राणी यदि भागवत सुने तो उद्धार हो सकता है, कि हां
हो सकता है मगर शर्त है कि आज ही आंख बंद करे और संकल्प छोड़ दे कि मेरे से ये पापाचार हुआ है और आज के बाद नहीं करूंगा। और गोविंद तेरी शरण में आके बैठ गया तो पर स्त्री का गमन करने वाला वो धंधकारी हो या जा मिलो, बड़ी बड़ी कथा भी आएंगी आपके सामने कि इसी भागवत को सुनने से उद्धार हुआ है। मगर जो सोच ले कि आज के बाद ये पापाचार मैं नहीं करूंगा, आज के बाद तो केवल उठा और गोविंद तेरे मंदिर में केवल माथा टेकूंगा। इसलिए सात दिन की है गंगा माई बह रही है कि कितने तर जात तरनी तेरा गुण गाए के। गंगा का नाम लेने से सात पीढ़ी तर जाती है, गंगा की सीढ़ी चढ़ने से 21 पीढ़ी तर जाती है और गंगा में डुबकी लगाने से आवागमन मिट जाता है मगर दूर पड़े गंगा सब नहीं जा पाए। हमारी माँ उन तो सब हो होंगी गंगा जा सभी सब हरिद्वार ने जाना है गंगा जी गई माँ गंगा गई सब। तम तो नालो रे गोता खालो रे भागवत की गंगा आई भक्तो नालो 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 रे ज्ञान की तो गंगा आई भक्तो नालो रे ज्ञान की तो गंगा आई भक्तो नालो रे भक्तो नालो रे गोता खालो रे भक्तो नालो रे गोता खालो रे तम तो नालो रे गोता खालो रे भक्तो नालो रे गोता खालो रे भागवत की गंगा आए भक्तो नालो रे भागवत की गंगा आए भक्तो नालो रे। 14 प्रकार के प्राणी भी यदि खाली आके विराजमान हो जाए तो मगर आज से बस बैठे हो तो संकल्प ले लेना कि गोविंद मैं चौक भी फूरूंगी दीपक भी जलाऊंगी मगर आज से इस काया से पापाचार बंद हो जाए। घर जाके उस परमात्मा का नाम स्मरण करना क्योंकि नाम में सारे बाकी जितना तो ये नारियल अगरबत्ती हमने अभी की थी कि इससे होना कुछ नहीं है, इसकी कोई मजदूरी भी नहीं है। कभी कोई अपने यहां मेहनत करने आए पानी फेरने आए दवा छिड़के काम करे तो शाम हो तो 300 रुपए देना पड़ते हैं। मजदूरी पे आया ने दवा छिड़की ने जो भी काम करा ने शाम हुई ने उनने की 300 तो देना पड़े बस आप देना पड़ेगी नहीं देना पड़े मजदूरी पे आए तो देना पड़े ने कभी तुम सवेरे से उठो ने उठते से गोबर करो ने भैंस को अवेरो ने बच्चा स्कूल ने रोटी ने कपड़ा ने सब करो ने शाम को लाओ मारे 250 दो अपने धनी से को के मारे 250 दो तो जमे बिल्कुल नहीं जमे। वो धनी है घर में करा बच्चा मेरे जितने तुम कर रहे हो ये तो ठाकुर सेवा करम हमारा काम न दुनियादारी से ठाकुर सेवा करम हमारा काम न दुनियादारी से ठाकुर सेवा धर्म हमारा काम न दुनियादारी से ठाकुर सेवा करम हमारा काम न दुनियादारी से। ये जो रोज का कर रहे हो इसका कुछ मिलना नहीं है, ये तो कर्म है आपका। हाथ गंदे होते हो तो धोखे हो ही नहीं हुए तो धो लिए। भागवत जी सुन के एहसान थोड़ा नहीं करो, पाप कर रहे हो तो यहां आए हो। अब एक ये मत कह देना कि हम नहीं करें,
करो नहीं करो जाने अनजाने में रोज पापाचार हो रहा है हमसे, रोज हो। सवेरे उठ के झाड़ू लगाओ तो भी जीभ मरे, रोटी बनाओ तो पापाचार हो जाए बनाने में भी, आटा भी पिसवाओ तो जीव हत्या हो रही है, चना में इल्ली लग जाएगी दवा डालोगे के लिए। क्यों बा इल्ली लगे दवा डालना पड़े, हत्या तो होगी। अब तो एक बार में भी नहीं मिटी, इल्ली भी कर ली होगी तो वो भी तीन तीन बार मांगे। खाने में, बनावा में, दवा डालने में, फसल में, गऊ में धंधूरा पड़ जाए तो दवा रखोगे नहीं मां, रखो नहीं। कुछ पाप तुम भले करो मत मगर हो जाए। अब पाप करे हैं रोज मंजन करो कि नहीं नियम से, गंदा हुआ तो घिसना तो पड़े। ऐसे ही जितना ये मंदिर जा रहा है नारियल चला रहा है ये तो रोज का कर्म है। ठाकुर पूजा कर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। ठाकुर पूजा कर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। ठाकुर पूजा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। ठाकुर पूरा करम हमारा, काम न दुनिया दारी से। बर्तन मांजो, घर की झाड़ू लगाओ या घर की दवा डालो, उसकी मजदूरी ये जो कर रहा है इसका मिलना कुछ नहीं है। मगर अपन क्या कहते हैं, हमने तो सब भगवान की पांच माला कर ली ना, मंदिर चला गए ना, आज तक कुछ मिला नहीं। ये तो जाने अनजाने के पाप है, मगर ध्यान रखना उपनिषद का सूत्र कह रहा है, इस शरीर में 3.5 करोड़ रोम है। कितने? ज्ञान भी नहीं है हमको तो। गरुड़ पुराण सुनी है कभी? सुनी होगी मगर ध्यान नहीं दिया। कितने? रोशनलाल जी 3.5 करोड़ रोम है, और रोम रोम से पाप उदय हो रहा है। सांप के तो खाली एक पोटली में जहर, कुत्ते की खाले दांत में जहर, गोरे के केवल जवान में जहर है, मगर बारे मनुष्य इसके रोम रोम से पाप उदय हो रहा है। रोम रोम से पाप उदय हो रहा है तो रोम रोम में भगवान का नाम बसाना है, रोम रोम में। कल नरक की कथा आएगी नहीं, जब पूरा एक एक वर्णन कर देंगे।
बस घबराना नहीं, आज भले ही और 10-15 मिनट ज्यादा नहीं लेट हो गए हो, क्षमा चाहते हैं, मगर है 10 मिनट है अभी अपने पास, बैठे हो ना, समय तो हो रहा है, बहस कर रही होगी, हो याद आ रही होगी उसे भी, मगर खाली 10 मिनट है। कल से ठीक 12 बजे, कितनी बजे ठीक 12 बजे बिल्कुल यहाँ आ जाना, ने आरती ने 3 बजे प्रसाद, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे, मगर 3 घंटे यदि यहाँ दे दिए तो इतना भरोसा दिलाते हैं, 3 मिनट नहीं लगेगी विमान आने में, 3 मिनट जब आखिरी आएगा, अभी थोड़ी नहीं, आज तो कहना भी मत क्या, आज बुलाना भी मत। हमारे मामा जी बेटा कमलेश मामा जी कह रही है कि अभी कहीं करें जाके पानी कौन फेरे हो, अभी विमान आ भी जाए तो जा कोई जाए कहीं, क्यों जनपद साहब तू ना वाला आज जाना हो कहीं, अभी तो नहीं जानो, अभी तो छोरा छोरी ने सब जिम्मेदारी है, कब, और तू आज आएगा भी नहीं, मगर जब कोई नहीं आए, नैया की नारे लगाना पड़ेगा, क्या है आगे, कब, अंत समय प्रभु आना पड़े, आज मत आना, आज बुलाऊं भी नहीं, आज तो कट रही है, खूब निकल जाएगी, बड़े बड़े धन्ना सेठों की निकल गई है, जिनके ढेर लगे थे और उनकी भी निकल गई, जिनने फांके पड़ गए सुदामा की उनकी भी निकली है, मगर जब अंत आया है उस समय देखी उनने की फलाना बा भी तो अच्छा खासा गया था, पगड़ी बांधी ने खाली ठोकर लगी ने, ये है मरने के बाद मालूम पड़ा कि मर गया, मैं डॉक्टर के जाऊं सूजी लगवाने, तो कभी कभी देख जो हमें सूजी लगवाने जा, बेन सूजी भरे नहीं तो मार से पूछो कल, सब टोच दियो वन 10 दिन में, ये बेटा हमारे प्रदीप महाराज रोज आगे लेके ले जाए, दुश्मनी एड़ा कभी यहाँ टुकवा कभी यहाँ टुकवा, तू उसने भरी ने भर के तो बड़ो लगायो, तुम्हारो वो कन्हैया के कहीं भैंस को इंगेसा नहीं है कहीं, मनोहर भैया ईमानदारी से इतो बड़ो भरो, डॉक्टर ने कोई दुश्मन होने भरो हो तो मान लेते, डॉक्टर ने भरो इतना बड़ा उन्हें भरे ने उन्हें खींची ने उन्हें कि मैं कि धीरे लगाना दी, इतने में लग गया, उस परमात्मा से भी यही प्रार्थना कर लेना बेन कि मरने के बाद मालूम पड़े मर गया, मौत व्यापना नहीं चाहिए, चलते फिरते कब ले ले, ये तो किन के भरोसे, कौन कपड़े बदलेगा ने कौन सुधारेगा, बाड़ों की सैया पे भी पड़े रहे हैं 56 दिन सामने वाला, अर्जुन पानी नहीं, युधिष्ठिर गंगा के खुद पानी पिलाएगी, यदि तुमने उसका नाम लिया और तुम्हारी जेब में पूंजी है, कहीं नहीं कहीं सुना आपने पंडित जी कहां गए हमारा मुंगाली वाला सुनाए, हम कभी कभी सुने तो पुराण सुनाए ने कथा सत्यनारायण सुनाए कि बैकुंठ जाओगे तो वहां सब मिलेगा, ने नरक में कहीं मिले कड़ाव मिले उन्हें सब मिले, उसे डराओ है ने बैकुंठ में सब मिलेगा, ये वीडियो वाले भैया से पूछ लो, इनसे पूछिए इंदौर से आयो, इंदौर के राजवाड़ा में सब मिलता है, मिलता है कि नहीं, मगर जेब में हो तो मिलेगा नहीं, कि खाली फटी जेब का कुर्ता लेकर चले जाओ तो मिले, बोलो अब है ही नहीं तो मिले कहां से, गोली रखी इलाज करा क्या है, तो बस है तो मिलेगा ना, वहां सब है मगर पहले यहां 500 के तो हो, तीरथ जाते हो तो तीरथ जाते हो तो जेब में गड्डी धरी, 500 का है तो गर्म पानी
तैयार। ये मास्टर ने बैठी हमारी है 500 का, इन्हें गड्डी फंसाई इनने, दुबे जी ने तो गर्म पानी तैयार, पोहा तैयार, जलेबी तैयार, ने हमारे पास नहीं हो तो स्कॉर्पियो उठाई ने, आटा ने कंडा सब साथ रखना पड़े, जाए कि नहीं अपन तीरथ। अब भैया सब साथ बांधो, अपन तो पुण्य है तो भा भी सब मिलेगा, नहीं तो भा मिलेगा होना तो चाहिए, है कुछ नहीं ना खाली। इसलिए रोम रोम से पाप उदय हो रहा है, इसलिए रोम में गुनेगा परमात्मा का नाम मजा ले। 3.5 करोड़ जाप पहले चालू कर दो आज से। कितने? ये मेरे बेटे सामने नाना मामा हूं, गुरुजी 3 दिन की बची ने तमको 3.5 करोड़ खाली यूं हाथ कर दो, तम तो करो यूं हाथ करो, ऐसे हाथ जरा आगे हाथ करो, सब बिल्कुल सीधे हाथ कर दो, इस प्रकार बांध लेना, बोलो 3 बार ओम, बोलो ओम ओम ओम, गोत्र बोलो अपना अपना मन में, पति का बोलना मायके का मत बोल देना, बेटी हो तो मायके का बोले, भम अर्पण मस्तु छोड़ दो, गारंटी है वो करेगा, मगर 3 साल बचे जब तक तो करोगे नहीं, जब तक है जब तक तो करोगे, जब तक हो जब तक तुम करो, अन्य की बने नहीं गुरु जी, बुखार आ जाए जब कौन करेगा, 3 रजाई ओढ़ के सो गए तब भी करो, कोई सुआ सूदक नहीं है, कंधा पे भी धरा है तो सूदक नहीं है, और जिस दिन कंठ रुक जाएगा उस दिन नारद जी तुम्हारा पूरा करेंगे, कौन करेंगे, नारद जी को जिम्मेदारी दी गई है कि खाली संकल्प कर लो, संकल्प कर लिया छोड़ दिया और जपे जाओ, 3.5 करोड़ पूरे कर लो, उसके बाद मजदूरी है, पहले घर का काम निपटाओ, रोटी बनाओ 9 बजे के बाद, फिर किसी के यहाँ मजदूरी पे जाओ तो शाम को मिले, ने घर का निपटा नहीं, खुद के बर्तन मंजे नहीं, ने खुद की झाड़ू लगी नहीं, पति से को लद दो तो दे गई, उससे मांग रहे हो, अगर पहले अपना पूरा तो करो आज से ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, गोपाल कृष्ण भगवान। आज से ही संकल्प ले लो, बस उसके भरोसे छोड़ दो, मगर ऐसा नहीं कि अपन से बन रहे ने अपन और रजाई सोरिया ने टीवी देख रिया ने जप ले रही, जब तक बने तुम करो, वो जिस दिन रुक जाएगी, पहले सुनाया हमने आपको, कभी याद हो कहीं योग लगा थोड़ा सा, कभी कभी देखना, कोई भाई घर से गया ने निकला ने रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाए, कोई बस गंगा जी में गिर गई, खाई में गिर गई, तत्काल राहत पहुंचाना पड़ती है, तो कौन करता है, घर वाले पहुंचे ना पहुंचे, मगर प्रधानमंत्री राहत कोष होता है, जिस जिले में जिस गांव में कहीं घटना घटी है मुख्यमंत्री राहत कोष होता है,
उसी समय कलेक्टर को आदेश दिया जाता है कि साहब इसके साथ घटना घटी है, इसके घर जाकर इसकी व्यवस्था करी जाए। जिलाधीश सारी व्यवस्था करता है, इलाज से लेकर जलाने तक की, लेकिन इनको 1,00,000 रुपए दिए जाएं। क्यों दिया? दारू पीवा, ताश खेलवा, होटल में जाने नहीं। क्यों? इनके साथ आकस्मिक घटना घट गई, दुर्घटना हो गई, तो राहत कोष में से इनको राशि दी जाए। तो वो जिलाधीश आपके यहां चेक एसडीएम तहसीलदार के द्वारा पहुंचवा देता है। नहीं तो तुमको कि मारे तो दारू पीवा चाहिए तो कलेक्टर दे कहीं, कि मारे तो खाली घूमबा चाहिए तो नहीं दे। घटना घटी तो जिलाधीश देगा। ऐसे ही खाली अपन ने संकल्प ले लिया आज से चालू कर दो, वो जपते जपते छूट गया तो यहां तो आपको जिलाधीश देगा, वो 3.5 करोड़ द्वारकाधीश पूरा कर देगा, वो पूरा कर देगा। मगर जपते जपते घटना घटना चाहिए। ओड रजाई सोरा ने खाली को कि अपन तो वो पूरा कर देगा, फिर नहीं करे। आज से ही 3.5 करोड़ पूरे करना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हर काम में जा बैठे हो वहां ओम नमो भगवते वासुदेव। और ऐसा नहीं कि खाली हम कह रहे हैं तो ओम नमो भगवते ही जपना, जिसका जो इष्ट हो। राम का नाम अच्छा लगे तो राम का लो, कृष्ण का अच्छा लगे तो कृष्ण का लो। नहीं तो एक गांव में गया हमने, एक मिल गया भैया, शंकर जी का भगत था। अब शंकर जी का भगत ज्यादा निराले होते हैं, तो सेठवा भी शंकर जी का भगत ने, पटलन माँ भी ने, छोरा भी। अब तीनों मंदिर जल चढ़ाने गया तो तीनों साथ गया ने एक किलोटा। छोरा के पहले हूं चढ़ाऊंगा, ने पटलन माँ के हूं कहीं हूं चढ़ाऊंगी पहले मैं थारी माँ, ने पटेल बा के पहले हूं चढ़ा। पटेल साहब नहीं दिख रही है, कहाँ है? आएगा कहीं, यहाँ ईट गया। ठीक ठीक ठीक, पटेल है तो नाम तो देखो आई जाए पटेल गांव के। तब तू पटेल साहब ने की के हूं चढ़ाऊंगा पहले, वो खींचे ने हूँ खींचे ने हूँ खींचे, तो जल तो कोई पे नहीं चढ़ा, मगर वो जो गगरा था तांबे का तबड़ो जाके शंकर जी के पिंटी पे डराम से। अब शंकर जी ध्यान में बैठे थे कैलाश पे, एकदम जाग गए। शंकर जी जागे तो पार्वती मैया बिचारी मई गाय का गोबर उठा रही थी, तो उन्होंने कि क्या हुआ प्रभु? ध्यान खुल गया उनका, हुआ क्या? तो देखा तो यहाँ गुम्बा ऊंचा गाय, आप इनका घगरा फेंक के मारे ऐसा भगत देखा कि जल चढ़ाए, चिरौंजी चढ़ाए, दूबा चढ़ाए, बील पत्र धतूरा तो ठीक, उनने घगरे ही दे मारा, तीनों खींच रहे थे। निकी हुआ क्या? के पटेल साहब थे, साहब रायपुरा के जल चढ़ा रहे थे। नहीं ये हुआ, पार्वती ने की देर मत करो, इन्हें दर्शन दो जाके पहले, इन्हें दर्शन दो। हाँ इन्हें दर्शन दो, क्यों? अभी तो इनने सर फोड़ा है, आगे ना जाने क्या क्या फोड़ेंगे ये मूर्खों, तुम दर्शन दो इन्हें जाके पहले। शंकर जी ने कि इन मूर्खों को दर्शन दूं इन्हें? दो कोड़ी के इन्हें जल चढ़ाना नहीं आए, नहीं दूं। पार्वती ने कि जाओ के नहीं, अब शाम को रोटी खानो हो तो बेन उनकी घर में माननो पड़े। उनने कि तुम जाओ के हुरनी बनाओ, नहीं तो अभी हूं जाऊं मायके, रायपुरा में कथा हो रही, ब्याह भी है ने, मांडा भी आ गया ने, अब तो हूं तो जा रही माँ के, तुम चलो तो ठीक, नहीं मारो झोला तैयार, बुला लीजो बहन बेटी होने जल्दी जल्दी मांडा से पहले। शंकर जी ने कि जाना तो पड़ेगी, बेरा की माननो पड़े, एक बार माँ की नहीं माने मगर तो बुरा मत, जो सच है वो है, बेरा की माननी पड़े। मैं घर से निकल रहा था तो माने की कि बेटा अच्छो सफेद कुर्ता पहन जाने 2,000 वालों, मेरा ने की माता जी के यहाँ जा रहा हूँ लाल पहन के जाओ, मैया चुंदरी अच्छी लगे। तो मैंने की बेरा की मान लो, माँ तो अब पूरी हो गई है, की जो मत जाके, तुम कह दो नहीं तो जाके, तो हूने कहीं करो कि वो सफेद कुर्ता पे कंकु की डिब्बी डुलाई दी। तब डर लगे शंकर जी ने कि दर्शन दूं कि हाँ दो। शंकर जी प्रकट हो गए, आप तीनों लड़ी रिया था, फिर से भर के ला लौटाया हेडपंप का, ने वो कह तू भरने जाने, तू जाने, तू जा।
पटलन माने की इनकी ठेट बाकी होगी बाकी पटलन में हो तब उम्र है। तो शंकर जी सामने आया अलोक निरंजन तो उनने ध्यान नहीं दिया कौन है हम भगवान शंकर है और जय हो भगवान आपने हमें दर्शन दिए हम धन्य हो गए हे प्रभु हे आशुतोष हे शिव शंकर हे ओडरदानी हे महाकाल काशी विश्वनाथ की जय हो जय हो जय हो। भगवान शंकर प्रकट हुए उनने कहा हम तीनों की भक्ति से प्रसन्न है बर मांगो। उनने कहा ठीक है बर मांगो जो मांगोगे मिलेगा। छोराने की पहले मैं मांगूंगा बाप ने कि तुम्हारे सामने पैदा हुआ तू मांगेगा पहले मैं मांगूंगा। पटलन मान की तंदई चुपड़ो मारे भाई के यहां से मैं 3 तोला सोना ने गाड़ी ने ट्रैक्टर सब लाए थे पहले हूं मांगूंगी। नहीं कि ठीक है तू मांग ले। अब देखो भगवान सामने आए तो ईमानदारी से जाना ने मांगा तुकाराम ने मांगा मगर वारी पटलन माई कहीं मांगा। देखे छोरा और पति के साइड ने पटेल की दांत टूटे ने पगड़ी ने देख कहीं के भगवान तम तो मारे 18 साल की अप्सरा बना दो। भगवान ने की ततास्तु बन गई लगा ले फेरन लवली। अब तो दूसरा चल गया तम कौन सा ला के दो रोशनलाल जी नहीं ला के दो नहीं उलझियो मत हमारी पार्वती मैया तो गोबर लगाती थी गोबर से गणेश पैदा हो गए थे और फेरन लवली से धुंधकारी पैदा हो रही है। अब वो पटलन माँ तो 16 की बन गई ने पटेल साहब के दांत नहीं दिखे ने उतरा ने कूदे खूब चिड़ाए उन्हें पटेल भाई को डोकरा ने कि ठीक है तो बहुत जल्दी थी थारी। अब पटेल की बारी आई कि तुम मांगो। उनने कि भगवान यदि मुझे वरदान देना चाहते हो तो ये पटलन कुतिया बना दो। बहुत बहुत इतना रही थी बहुत 18 साल की होके उनने की इसे कुतिया बना दी कुतिया बना दी सा। अब जैसी कुतिया बनी क्या हुआ ना बोल सके ना गा सके चरणों में गिर गई हे भोले मैं मूरख थी 7 दिन तेरी कथा में बैठ के भी पड़ोसन की निंदा करती रही ये मनुष्य शरीर 84 की योनि पाके भी मैंने क्या करा इतने बड़े घर में हिंदू सनातन धर्म में जन्म लेने के बाद कभी बेटे के चरणों में गिरे कभी पति के चरणों में गिरे कभी भोले के कि जो थी वो ही बना दे कम से कम कोई तो सुनो। महादेव की आंखें बंद है कि हम तो एक वरदान देते हैं क्या करूं। कभी भी अपनी स्थिति सुधर जाए तो किसी पे हंसना नहीं पटेल पे हंसे छोरे पे हंसे कुतिया बना दिया रोए गिर गिराए। शंकर ने कहा मैं कर्म का डंडे में कुछ नहीं कर सकता तूने जो मांगा तेरे पति ने अब तो छोरा बचाए इसके हाथ में। छोराने की ज्यादा उलझने की जरूरत नहीं है जो जहां थे उन्हें वही बना दो मारी मां को वहीं के वहीं कर दो। क्या मिला तीनों को भगवान प्रकट हुए चाहते तो आवागमन से मुक्ति पा लेते सब कर लेते। उनने 18 की बनी उनने कुतिया बना दिया ने उनने वहीं के वहीं आ गया तीनों का जैसे आए थे ने वैसे ही ये योनि भी वो स्थिति है हम जैसे आए वैसे ही जा रहे हैं वो निकले जा रही है बहुत निकल गई थोड़ी से बची है ज्यादा नहीं रोम रोम से उदय हो रहा है इसलिए गोविंद के गुण गा मनवा तुम गोविंद के गुण गा केवल उसके गुण गा लो कहीं सार नहीं है इसलिए निवेदन है कि कल से ठीक 12 बजे
एक फूल लाके अपने सामने, या फूल फल जो भागवत की विधि हम ज्यादा बताएं नहीं, इसमें काम नहीं है अपना क्योंकि मांगने जैसा। आप तो जो खाली हाथ नहीं, अगरबत्ती लाओ, फूल लाओ, एक मुट्ठी लाओ, आके भागवत की विधि तो बहुत बड़ी वर्णन करा गया है कि सुखदेव जी कह रहे हैं कि सोने के सिंहासन पे भी भागवत को बिठाओ तो कम है, मगर जैसा हो सके, मगर ठीक 12 बजे, पौने 12 बजे आप जाने, 12 बजे हम पहले मरीज ने फिर डॉक्टर, नंबर तो लगाना पड़े, और डॉक्टर कौन है, कौन है, हम नहीं है, ये डॉक्टर है। के राम नाम की पूटी और खरी रीत से खाए, अंग पीड़ा उपजे नहीं और महारोग मिट जाए, इसलिए बस क्या कि गोविंद के गुण गावा, हम तो गोविंद के गुण गावा रे, गोविंद के गुण गावा, हम तो गोविंद के गुण गावा रे, गोविंद के गुण गावा, हम तो गोविंद के गुण गावा रे, गोविंद के गुण गावा, हम तो गोविंद के गुण गावा रे, हम भी गावा भजे सीतम माधवम गोपिका वल्लवम जानकी नायकम रामचंद्रम गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, सांवरे सरकार की जय। Thank you.
Jai Jai Shri Radhe, Jai Jai.